Yolo fam, what's poppin'? First of all, Ramzan Kareem to all of my Muslim viewers. Guys, I know मेरी last video को almost 2 महीने हो गए upload किए हुए, but I've been making a lot of fun stuff. मैंने गाने बनाए हैं, music videos पे काम कर रहा हूँ, and also I'm almost done with my website. Training की website है जहाँ पे हर किस्म की e-books, basic strategy की हो, muscle building की हो, 6 week diet plans, 12 week diet plans, हर चीज available होगी आपको training के लिए. So वो भी बहुत जल्द मैं online कर दूँगा इंशाल्लाह. और मैंने training भी शुरू की हुई है, मुझे almost 1 महीना हो गया training करते हुए, थोड़े बहुत gains भी आए हैं. So guys, whenever I think of Ramzan, मेरे दिमाग में पहली बात ये आती है कि इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू लूज फैट. गाइस, इफ यू ऑलवेज स्ट्रगल टू लूज फैट, लिटरली दिस इज द मंथ जिधर आप उस चीज को किक स्टार्ट कर सकते हो. मैं आपको 5 तरीके इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल तरीन तरीके हैं. अगर वो 5 तरीके अगर आप अपनी जिंदगी में ले आते हो ना, आपकी फैट लॉस वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हो सकती है बड़ी इजिली, आपको रिजल्ट भी नजर आना शुरू हो जाएंगे. उससे पहले मैंने जाना वर्कआउट करने, आज आर्म्स डे है. गिव दिस वीडियो थम्स अप, सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मी. और हाँ, एक साथ घंटा भी बना होता है उसको भी दबा देना. तो लेट्स गो टू द जिम. So guys, I'm at the gym. Let's start the workout. Steady, I feel ready, but my legs heavy. I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. So guys, I'm done with the workout. देखें, हमारा मेन मकसद इसमें ये है कि हम हेल्दी हो जाएं. ओबेसिटी, मोटापा, 50,000 बीमारियाँ उसके साथ आती हैं ह्यूमन बॉडी में. सो गाइस, जो पहली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आजकल का रेफरेंस देख के आपको बताऊँ तो लिमिट योर शुगर कंजप्शन. जो आप चीनी और एक्स्ट्रा एडिड शुगर खाते हैं वो कम कर दें. जो शुगर होती है ना, हाई इन एम्प्टी कैलरीज होती है, यानी कि कैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू कोई नहीं होती. दूसरी बात ये होती है कि यार, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाते हैं. ये मैं आपको अभी बीमारियों के बारे में बता रहा हूँ. अगर आप शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल कुकीज़ होगी, कैंडी होगी, केक हो गया, आइसक्रीम होगी, तो वो लेस फुलफिलिंग होती है, जो कि अल्टीमेटली आपको ओवर ईटिंग करने पर मजबूर करती है. यानी कि अगर आप आइसक्रीम खा लेते हो कि थोड़ी देर बाद आपको बहुत जल्दी भूख लग जाती होगी. आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, पहले रोजा पी रहे हो, आजकल टैंग वगैरह पी रहे हो चीनी डाल के, भर भर के चाय पी रहे हो, 2-3 चम्मच डाल. फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिट योर शुगर कंजम्पशन. दूसरी चीज जो है, अपनी ऑयल की कंजम्पशन कम करो. ऑयल जो होता है वो 100% लिक्विड फैट होता है. मैं बात करूँ कुकिंग ऑयल की, जिसमें मल मल के हमारे देसी लोग खाना बनाते हैं, ऑयल पहले आता है और बॉडी बाद में आती है. ऑयल की एक और बात बताता हूँ, रिफाइंड शुगर जो होती है, जो चीनी की मैंने पहले बात से डबल कैलोरीज होती हैं ऑयल के अंदर. तो आप खुद सोच लो कि कितना फैट कर रही है. आपकी लव हैंडल्स वाला फैट होता है, लोअर बेली फैट होता है, ये इन चीज़ों की वजह से ही आता है. तो लिमिट करो उस चीज़ को. अगेन, जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू है. आजकल समोसे पकौड़े की दुकान बने हुए ना, ये जरा इसको जरा ईजी करो. एक्सट्रीम केसेज में अगर नहीं छोड़ सकते ऑयल, खाना ही खाना है, थोड़ा सा टेस्ट चाहिए, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, सिर्फ स्प्रे 1-2 कतरे डालो, जस्ट कि हमारे दिमाग में एक प्लेसिबो इफेक्ट आ जाए कि हाँ चलो, मैं कोई ना कोई ऑयल कंज्यूम कर रहा हूँ, मुझे टेस्ट आ रहा है, ठीक है. तीसरी चीज़ आपको बता दो, वेरी सिंपल, नॉट ईजी बट वेरी इफेक्टिव, स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर. पानी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपको क्या बताऊँ. पानी जो है वो स्किन साफ करती है. क्या बात है कतरीना कैफ. पानी अगर आप ज़्यादा पीते हो तो रिसर्च ये बताती है कि आप रेस्टिंग कैलरी बर्न कर सकते हो. मतलब आप एक जगह लेटे हुए हो ना और आपने दिन के 8 ग्लास पानी पिए हो, तो आप लेटे लेटे आपका कैलरीज बर्न हो रही होती है. कोर प्रो टिप ये है कि अगर खाने से पहले पानी पी लो ना, 2 ग्लास या 1 ग्लास, आधा ग्लास पी लो, तुम्हें भूख कम लगेगी, अल्टीमेटली वेट गेन का रिस्क कम हो जाएगा. अब बात आती है कि कितना पीना है. मैं जो सजेस्ट करता हूँ ना, मिनिमम 8 ग्लास डेली की. आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ, पानी पियो 8 ग्लास, 10 ग्लास, मैक्सिमम 15-20 ग्लास, वो अलग बात है, बाथरूम ज़्यादा जाना पड़ेगा. चौथी चीज़ एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है सर, अवॉइड जंक फूड. बर्गर, समोसे, पिज्जा, जो कुछ खा रहे हो अवॉइड करो. जंक फूड अगेन, जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू, एम्प्टी कैलोरीज, ये सारी चीज़ें फैट बनाएंगी, बेली फैट बनाएंगी. लोअर बेली फैट सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है बर्न करना. पांचवी और आखिरी चीज़ जो आपको बताने वाला हूँ वो है, स्टार्ट मूविंग योर एस. नहीं है टाइम जिम जाने का, कोई मसला नहीं है. बिल्कुल स्केड्यूल में कोई जगह नहीं आ रही कि तुम थोड़ी सी स्प्रिंट कर लो, पार्क जाके थोड़ी बहुत बॉडी वेट एक्सरसाइज कर लो, कोई मसला नहीं है. गेट योर एस ऑफ द सोफा, स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट मूविंग. अगर अम्मा बर्तन धो रही है ना तुम्हारी, तो तुम जाके धो लो. कमरे की सफाई नहीं हुई, सफाई कर लो जाके. जस्ट स्टार्ट मूविंग, कुछ ना कुछ करो. देखो, इस तरह हल्की सी करोगे, तुम्हें खुद रिजल्ट नजर आएंगे, तुम्हें मोटिवेशन आएगी. खाना खा के जो तुम टेडी बेयर बन के बैठ जाते हो ना, वो बिल्कुल भी नहीं करना. बाथरूम में ज़्यादा जोर लगाना शुरू कर दो, कुछ ना कुछ करोगे
तुम्हारी कैलरीज बर्न होना स्टार्ट हो जाए। ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव पांच चीज़ें मैंने आपको बताई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। रिसर्च के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर ये चीज़ें पांच अपनी ज़िंदगी में ले आते हो, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। ये जो थंबनेल है इस पे मत जाना, ये बहुत बड़ा क्लिकबेट था। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मुझे कमेंट करके जरूर बताना और कौन सा फिटनेस कंटेंट तुम देखना चाह रहे हो। गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।